हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आफरीन खान। आज मैं अपने रजनीगंधा के जो पौधे हैं फ्रेंड, यानी जो बल्ब है, उनको अलग अलग करके लगाने वाली हूँ फ्रेंड। इसलिए मैंने ये पूरा निकाल के रखा है। एक इस पॉट में लगा हुआ था फ्रेंड, और मैंने इनको सबको निकाल के रख दिया है, अलग अलग कर लिया है फ़िलहाल। और आप देख सकते हैं सिर्फ एक पॉट में से मुझे कितना सारा बल्ब मिल गया फ्रेंड। और यहाँ पे है ये एक पॉट, इसे भी मुझे यानी कि निकालना है, रिपॉट करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक हो गया है, और इस पॉट को भी फ्रेंड, इसमें भी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं इनको भी निकालूंगी और रिपॉट करूँगी। फिलहाल अभी इनका डॉर्मेंसी का टाइम चल रहा है फ्रेंड, इसीलिए मैं इनको निकाल के डिवाइड करके अलग लगा रही हूँ। और जैसे जैसे फरवरी आएगा तो इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए एक से अनेक बल्ब बनाने का बहुत आसान तरीका है। मेरे पास कुछ बल्ब थे फ्रेंड, और आप देख सकते हैं इससे मुझे कितने सारे बल्ब मिल गए हैं सिर्फ एक ही पॉट में। अभी मैं इसको और इसको निकालूंगी तो और ढेर सारे मेरे पास बन जाएंगे। मैंने सारे बल्ब निकाल लिए हैं फ्रेंड, और कुछ लगा भी दिए हैं। और जब आप इस बल्ब को डिवाइड करते हैं फ्रेंड, तो बहुत आसान होता है इनको डिवाइड करना। जैसे कि ये दो बल्ब है, और दोनों को सिर्फ ऐसा करेंगे आप इस तरीके से, तो इससे आपके दो बल्ब बन गए। दोनों को अलग अलग मिट्टी में लगाना है, लेकिन जब भी आप मिट्टी में लगाएंगे तो इनका इतना हिस्सा फ्रेंड मिट्टी के अंदर होना चाहिए, इतना हिस्सा। क्योंकि इसको अंदर करके लगाएंगे, यानी मिट्टी के अंदर इतना हिस्सा ये नीचे वाला हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि आप अगर इसको ऊपर ऊपर से सिर्फ इतनी दूर तक ही मिट्टी देंगे फ्रेंड, तो ये इसके जो पत्ते हैं एकदम से नीचे झुक जाएंगे। तो आप अगर इनको इतनी दूर तक मिट्टी देंगे, यानी कि यहाँ तक पूरा मिट्टी दे देंगे, सिर्फ इसके पत्ते यहाँ रहेंगे, तो वो एकदम से स्ट्रेट खड़े हुए रहते हैं फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे अब देख सकते हैं मैंने लगाया ना, तो मैंने एकदम ऊपर तक लगाया है, तो इसकी स्ट्रेट ऐसे एकदम सीधे सीधे ये पत्ते खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से लगाना है फ्रेंड। मैंने सारे के सारे बल्ब डिवाइड करके लगा दिया है फ्रेंड, और मेरे पास सिर्फ तीन पॉट में था ये बल्ब। मैंने दिखाया है ये एक पॉट में, इस पॉट में और इसमें था फ्रेंड। अब मेरे पास इतने सारे पॉट में मैंने लगा दिया अलग अलग करके। ऐसा नहीं है कि सब में मैंने सिंगल सिंगल लगाया है, एक साथ तीन तीन बल्ब भी लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इस तरीके से बहुत सारे बल्ब बन गए थे इसके। और अभी क्या होगा, इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पे एक बच भी गया फ्रेंड, इसे तो जगह ही नहीं है लगाने का। किसी भी एक छोटे से पॉट में मैं इसे लगा दूँगी। और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये दो बॉटल है जिसमें नीचे किचन वेस्ट था और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है। मैंने अभी इसलिए इस काम को किया है क्योंकि जो छोटे छोटे बल्ब थे मैंने ऐसे छोटे पॉट में लगा दिया है फ्रेंड। और जैसे जनवरी ख़त्म होगा, फरवरी स्टार्ट होगा, इनकी ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हो जाती है, तो मैं सारे बल्ब को एक नया नया पॉट और उसके साथ अच्छी मिट्टी के साथ इनको लगाऊंगी, तब ये बहुत अच्छे ग्रोथ में करेंगे। जैसे कि ये बड़े वाले जो पॉट में लगा हुआ है इनको नहीं लगाऊंगी, जैसे ये छोटे वाले पॉट में लगे हुए हैं ना, इनको सब बड़ा पॉट देना है। तो अच्छी मिट्टी के साथ तब मैं इनको अच्छी तरीके से लगाऊंगी फरवरी में, यानी जनवरी एंड में। तो अभी इतना इनके लिए काफ़ी है, इनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छे से ग्रो करते रहेंगे फ़िलहाल। इससे क्या होता है कि हमारे ढेर सारे पौधे बन जाते हैं डिवाइड करने में। इसे बहुत आसान है रजनीगंधा के पौधे को, यानी कि बल्ब को मल्टीप्लाई करने का और एक से अनेक पौधे बनाने का। तुरंत आप भी इस काम को ज़रूर करें। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।